35175 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो पंजाब आ रहा है। अलॉय स्टील स्टील एंड स्टील ये 3899 यानी कि 3890 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आ गई। 9257 बंद काम मिलेगा। रियल स्टेट से हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब तो वह 11853 करोड़ जिदे प्रपोज्ड इंप्लॉयमेंट जी है 1,22,225। मैनुफैक्चरिंग 5,981 करोड़ लगभग 6,000 करोड़ लगा लो। तो इंप्लॉयमेंट जी रोज़गार मिलेगा 39,952। टैक्सटाइल टैक्निकल टैक्सटाइल तो मेडअप ये 3305 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट 13,753 बंद काम मिले। एग्री फूड प्रोसैसिंग एंड बीवरेज 2854 करोड़ रुपए 16,638 मुंडे कुड़ियों काम मिलेगा। ये निवेश जोड़ा सिंगल विंडो सिस्टम दे रहे हैं असी। इस तो पहला परिवारवाद हों सारे बिजनेस एको परिवार के होंगे सी, हुण असी सिंगल विंडो सिस्टम दे रहे। असी कोई माफिया नहीं बन देना किसी भी किस्म का, ना ही असी कोई किसी गैंगस्टर नू जा किसी गैर समाजिक तत्व नू कोई पोलीटिकल संरक्षण देना है। पोलीटिकल कोई उन्होंने शह नहीं देनी। असी नहीं कोई गैंगस्टर पालन वाले, वो जिहड़े गैंगस्टर पालदे सी कोई इन्हां दा सी कोई उन्हां दा सी, वो सारे लोगों ने घर बिठाते। तो असी लोगों एक वादा कर रहे सी, गरंटी दे रहे सी कि असी रोज़गार देना है नौजवान मुंडे कुड़ियों नू, असी ब्रेन ड्रेन नू रोकना है जिहड़े बाहर जा रहे ने साढ़े नौजवान मुंडे कुड़ियाँ आईलेट्स वगैरह करके, तो उन्होंने उन्होंने डिग्रिया मुताबक इतें ही कम देवे। तो जी इंडस्ट्री जब पंजाब चो चली गई दुखी होकर पुरानी सरकारों के वतीरिया तो जो बेरुखिया करके इतें आए ही नहीं, एक दो बारी आए पर तंग परेशान होकर वापस चले गए। उन्होंने वापस लेके आवांगे ये वादा भी असी कीता सी। मैं खुद चेन्नई उन्होंने जेडे उत्थे जेडे चेन्नई बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट ने बड़े बड़े उन्होंने मिल के आया। बेंगलोर मुंबई हैदराबाद जर्मनी दिल्ली ते पंजाब दे विच जेडे पंजाब दे विच ऑलरेडी मौजूद ने इंडस्ट्रियलिस्ट जिन्हें च मोहाली दे इंडस्ट्रियलिस्ट आले दुआले दे मोहाली दे आले दुआले कस्बे लुधियाने दे जलंधर दे अमृतसर दे पठानकोट। सब तो पहला मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा कि हुण तक 10 महीनों दे विच जिहड़ी इन्वेस्टमेंट आई है ₹30,175 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री जी है उन्हें सानू 38175 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो पंजाब च आ रहा है जिदे 43,148 सो फार 38,175 करोड़ की जी इन्वेस्टमेंट आई है जिदे 2,43,248 इन्नी इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगी, रोज़गार इन्ना इन्ने लोगों को मिलेगा। ये गल मेरे को अंकड़े ने एक सर लेट मी फिनिश फिर कर दे। कमिटमेंट की गल की है संयोग की गल है कि वो मेरे सामने बैठे ने पत्रकार, उन्होंने आरटीआई पाई सी। जिस वेले आरटीआई पाई सी मेरे ख्याल 15-20 दिन हो गए उदो घट सी, अश्विनी चावला जी बैठे ने हुण उहदे विच जिहड़े नवें आ गए वह भी ऐड हो गए।
आरटीआई इन्हों को जवाब है सर कमिटमेंट कमिटमेंट इधर ले लो उन्होंने को आरटीआई का जवाब है। हाँ जी हाँ मैं सैक्टर वाइज भी दस दिना किड़े सैक्टर च आ रही है इन्वेस्टमेंट जी है रियल स्टेट से हाउसिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर च सब तो वह 11,853 करोड़ जिदे नाल प्रपोज्ड इंप्लॉयमेंट जी है 1,22,225 मैनुफैक्चरिंग दे विच 5,981 करोड़ लगभग 6,000 करोड़ लगा लो ते इंप्लॉयमेंट जी है रोजगार मिलेगा 39,952 मैनुफैक्चरिंग च 5,981 करोड़ उहदे नाल रोजगार मिलेगा 39,952 39,952 जिहड़े रोजगार जनरेट होगा। और आई स्टील एंड स्टील इहदे च 3,899 यानी कि 3,890 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आ गई 9,257 बंदिया नूं काम मिलेगा 9,257 टैक्सटाइल टैक्निकल टैक्सटाइल ते मेड अप इहदे विच 3,305 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट 13,753 बंदिया नूं काम मिलेगा। एग्री फूड प्रोसैसिंग एंड बीवरेज 2,854 करोड़ रुपए 16,638 मुंडे कुड़ियां नूं काम मिलेगा। हेल्थ केयर दे विच 2,157 करोड़ 4,510 मुंडे कुड़ियां नूं जां आपां कह लो कि पंजाबियां नूं रोजगार मिलेगा। जे डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना सब तो वध SAS नगर 9,794 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है ते 68,061 इहदी पावर अपना इंप्लॉयमेंट जनरेशन है। सैकेंड लुधियाना 9,319 करोड़ 33,172 मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज दस रहा या प्लेस वाइज दस रहा। दैन फतेहगढ़ साहब 4,246 करोड़ रुपए 13,840 रोजगार पैदा होगा। अमृतसर साहब 4,079 85,419 लोगों नूं काम मिलेगा। पटियाला 2,821 9,927 लोगों नूं काम मिलेगा। रूपनगर 1,200 करोड़ रुपए 3,172 लोगों नूं काम मिलेगा। तो जिहड़ी मेजर इंडस्ट्री है जिहड़े साडे कोले कमिट कर चुके ने आ रहे हैं टाटा स्टील है 2,600 करोड़ रुपया लुधियाने च वो सैकेंडरी स्टील का प्लांट ला रहे हैं बिगेस्ट सैकेंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर उन्होंने काम शुरू हो गया उन्होंने उन्हों की जी मैनुफैक्चरिंग है वो बाद चलूगी पहला कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। सनातन पॉलीकॉट 1,600 करोड़ रुपया मैन मेड फाइबर ये फतेहगढ़ साहब च है जो आप राजपुरा तो सरहंद जाइए बचाले मैकडोनल्ड्स आता है उसके बैकसाइड पर उन्होंने अपनी जमीन खरीदी है सनातन। नाभा पावर LNT 641 करोड़ रुपया ये पावर दे विच आ रहे हैं तो पटियाला जिले के टोपन जापान की कंपनी टोपन ये पैकेजिंग दे विच एक्सपर्ट ने लाउंगे 548 करोड़ रुपए। नैसले स्विट्जरलैंड 423 करोड़ फूड प्रोसैसिंग जा रहे हैं मोगे ऑलरेडी नैसले का प्लांट मोगे हैगा। वर्धमान स्पैशल स्टील आईची स्टील तो ये जापान के नाल कोलाबरेशन इन्हों की हाईब्रिड स्टील के बच्चे आ रहे हैं 342 करोड़ रुपए लुधियाना च। फ्रेडनबर्ग ये जर्मनी की कंपनी जो आप इतों लुधियाने जाने मुरिंडे वाला फ्लाईओवर चढ़ते हैं तो नाल ही जो थले देखिए तो कलास कंपनी है कंबाइना बना बिल्कुल कलास के नाल कंध ना कंध 38 acres इन्होंने फ्रेडनबर्ग ने लेने जेडे कि गड्डिया के मर्सिडीज़ वगैरह के सेंसर बनाते हैं
वो भी उन्हों का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, सारिया एनओसीज वगैरह उन्होंने सारिया हो गई। बेवो टेक्नो बेवो जिहड़ी है 300 करोड़ रुपया ला रही है, बेवो टेक्नोलॉजीज आई टी सैक्टर च, एस एस नगर आई टी सैक्टर ओबियसली हब जिहड़ा वह मोहाली बन चुका आई टी सैक्टर का। एच यू एल हुल ये यूके की कंपनी है, 281 करोड़ ये पटियाले दे विच जिले दे विच इन्वेस्ट करनगे। कारगिल इंडिया ये यूएसए की है, 160 करोड़ रुपया एनीमल फीड से फतेहगढ़ साहब दे विच। ते असी जिहड़े ये तो हैगी है वो इंडस्ट्री जिहड़ी साढ़े कोले 10 महीनों च एमओयू साइन होकर आ गई, तो कंस्ट्रक्शन का काम लगभग चल पाया प्रोसैस के आ गई। इनू भाए कह लो जिमें मानसून तो पहला, प्री मानसून नहीं होंगी, ये प्री मानसून है। मानसून साड़ी शुरू होगी 23-24 फरवरी जो साडा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के मोहाली से बहुत वड्डा इनवैसटमेंट समिट होगा। उत्थे इन्हां नालों कई गुणा वध इन्वेस्टमेंट जिहड़ी है वह आऊगी, क्योंकि मैं उन्होंने कल्लियां कल्लियां नूं आप मिल के आया, इंडिविजुअल मीटिंगां करके आया। साडी मीटिंग जिहड़ी है गोदरेज नाल भी होई, महिंद्रा एंड महिंद्रा नाल भी होई, टैफे नाल भी होई, गूगल नाल भी होई, एग्रो फूड इंडस्ट्रीज नाल होई, वंडरला जिहड़े के अम्यूजमेंट पार्क बनाउंदे ने बहुत वड्डी साउथ दी कंपनी वंडरला, उन्हां नाल भी साडी गल होई। नाल नाल जिहड़ियां टैक्सटाइल दियां कंपनियां ने जां जिहड़ियां एग्रो इंडस्ट्री नाल रिलेटड कंपनियां ने, फूड प्रोसैसिंग नाल रिलेटड कंपनियां, सारे नाल गल हुई। तो लगभग तुसीं लाओ भी 70% 80% दा तां बैकग्राउंड ही पंजाबी है, वह आना चाहुंदे आ पंजाब च, पर वो कहिंदे सानूं किसी ने बुलाया ही नहीं इन्ने प्यार नाल पहलां कदे। पहलां जदों आउंदे सी कोई इंडस्ट्रीलिस्ट, मैं नहीं कहिंदा कि पहलां आउंदे ही नहीं सी, आउंदे सी, पहलां जदों आउंदे सी तां पंजाब दे दो परिवारां चों एक परिवार राज च हुंदा सी, एमओयू एक परिवार नाल ही करना पैंदा सी कि सानूं किन्ना दिंदे हो जी। इंडस्ट्रीलिस्ट चला जाता सी, अज दे इस जमाने प्रॉफिट चो हिस्सा मंगोगे 20% 25% कौन दे दूगा जी, पर जेड़े हुण आए ने ते 23-24 तरीक तो बाद आउणगे ओह एमओयू किसी एक परिवार नाल नहीं, पंजाब दे 3 करोड़ पंजाबियों नाल एमओयू होगा, उन्होंने रोज़गार वास्ते, पंजाब की खुशहाली वास्ते। जिहड़ा साडा 2 दिन का समिट है इहदे विच असी 9 सैक्टर रखे ने डिस्कशन लई ते इन्वेस्टमेंट लई, एग्री फूड प्रोसैसिंग, टैक्सटाइल्स, हैल्थ केयर, एजुकेशन, टूरिज्म, आईटी एंड स्टार्टअप्स, एक्सपोर्ट ते जापान ते यूके जिहड़े साडे ने उन्होंने स्पैशल सैशन होणगे, साडे पार्टनर ने, जापान वाले अपनियां कंपनियां नूं नाल लेके आउणगे तां उहनां दा अलग सैशन होगा, तो यूके का अलग सैशन होगा, पार्टनर कंट्रीज ने। सो जिहड़े कोई सवाल उठाउंदे होणगे कित्थे आया जी निवेश, असीं उहनां नूं एड्रैस भी दे सकदे हां, उत्थे जाके देख सकदे ने। इह निवेश जिहड़ा सिंगल विंडो सिस्टम दे रहे हां असीं, इस तो पहला परिवारवाद हुंदा सी, सारे बिजनेस इको परिवार दे हुंदे सी, हुण असी सिंगल विंडो सिस्टम दे रहे हां, कोई दफ्तरां च खज्जल खुआरी नहीं होगी, चाहे वह कोई एनओसी लैनी है, चाहे पोल्यूशन सर्टिफिकेट, चाहे कोई फायर वाले तो, चाहे कोई किसी भी किस्म का कोई अनुमति लैनी है, तो असी उन्हूं ऑनलाइन प्लस इको पैकेज दे विच देवांगे, ताकि जे जमीन अज खरीदी है विद इन 10 डेज
सारा कुछ उन्होंने मिल के सारा कुछ उन्हों एनओसीज मिल जाए दसवें ग्यारहवें दिन अपना भूमि पूजन वगैरह करा के पूजा पाठ जो भी उन्होंने वो अपनी पहली इट ला सकन ना कि साल साल वो सिर्फ जी है परमिशन वास्ते धक्के खाते रहन जितों के फिर करप्शन पैदा होती है। सो साफ नीयत हो सब कुछ हो जाता है। साढ़े पांच रुपये पर क्यूबिक फिट वाली असी रेते दियां खड्डां चलाती आने वाले दिनों होर चलावे पब्लिक माइंड ने वो तो बहुत सारी वड्डी लोगों को राहत मिलेगी। बहुत टाइम थानू लग गया थोड़ा रस्ते क्लीयर करन लीगल रस्ते क्लीयर करन ते जिहड़ा माफिया बनाया हुआ सी उहनू तोड़न नू पहला असी इदां ही लैके आउंदे हुंदे सी जदों सानू चाहिदा हुंदा सी असी किसी भी नदी नाले चो जिथे भी नेड़े तेड़े हुंदा सी उत्थों भर लिआउंदे सी सानू कोई नहीं रोकदा हुंदा सी बरेती कहिंदे आ साडे माल विच उहनू। ते इन्हां कंपनियां दा इत्थे आउणा अपने आप च इक तुहाडे सवाल दा जवाब है कि लॉ एंड ऑर्डर जिहड़ा है वह सुधार हो रहा वो बहुत चिर पहला तो बिगड़िया होया सी असी कोई माफिया नहीं बन देना किसी भी किस्म का ना ही असी कोई किसी गैंगस्टर जा किसी गैर समाजिक तत्व में कोई पोलीटिकल संरक्षण देना है पोलीटिकल कोई उन्होंने शह नहीं देनी असी नहीं कोई गैंगस्टर पालन वाले वो जोड़े गैंगस्टर पालते सी कोई इन्हों का सी कोई उन्हों का सी वो सारे लोगों ने घरें बिठाते तो असी जी पंजाब पुलिस इन्नी सक्षम है कि उन्हें हर रोज़ गैंगस्टर बड़े बड़े फड़े जा रहे हैं तो गैंगस्टर जिहड़े ने तो ड्रग भी फड़ी जा रही है हथियार भी फड़े जा रहे हैं बॉर्डर स्टेट है असी सेंटर ना भी मिलकर चल रहे हैं। तो हुण पंजाब जिहड़ा है जो मंडी गोविंदगढ़ की मैं एग्जाम्पल दे दिना बहुत वड्डी इंडस्ट्री सी एशिया की सब तो वड्डी लोहे की अज खंडर बन गई वो चले गए सारे क्योंकि तंग ही इन्ने किए गए। इस बार असी बिजली दे मामले च ना असी घरें घरेलू खपतकारां नूं कट लाए ना ही कोई झोना लाउण वेले अठ घंटे दा की 15-15 घंटे बिजली आई है लोगों ने मैनूं दस्सिया है। कल ही मैं गया सी सरकार किसान मिलनी च लोगों ने दस्सिया इस बार ट्यूबवैल बंद करके झोना लाया कि पानी हो गया बहुत बंद कर लो तो ना ही असी इंडस्ट्री ते कोई फरमान जारी किए हैं इंडस्ट्री लई कि जी तुसीं हफ्ते चो 3 दिन हुण बंद रखोगे जिहड़े कि पहला होंदे सी। कारण की है असी पछवाड़ा कोल माइन चला ली अपनी 70 लाख टन एक साल दे विच कोला निकलना उच ते इह किवें कह सकदे आ कि एवें है जी इह कोला आउणा नहीं जी क्यों नहीं आउणा जी 2015 तो बंद पई सी गड्ड 2015 च कौन सी अकाली दल 2017 च कौन आया कांग्रेस चलाई क्यों नहीं वो असी साल दे विच विच किवें चला ली नीतां साफ चल पियो माइन। सो हुण असी कह रहे हां कि वह इन्ना कोल है साढ़े कोल असी जिहड़े दूजे प्राइवेट थर्मल प्लांट है उन्होंने भी सस्ता दे सकदे ताकि उन्हां तों रेट कटवा सकीए कोल मिनिस्ट्री नाल साडी गल चल रही है। सो इंडस्ट्री लई पावर सब तो वध जरूरी हुंदी है पावर असी दे रहे हां और देश च सब तो सस्ती पावर जिहड़ी है सब तो सस्ती बिजली इंडस्ट्री नूं पंजाब दे रहे हां। जी वधिया सवाल है पहलों वापस चले जाते सी क्योंकि उन्होंने सहूलत नहीं मिलदियां सी उन्होंने
धक्के खाने पैंदे सी। हुण जदों असीं उहनां नूं इह कहता कि तुहानूं इक हफ्ते च सारियां एनओसीज मिल जाणगीआं, जिन्ना गौरमेंट दा रेट है उन्ना ही लवांगे, करप्शन कोई नहीं होगी, तां उहनां नूं इक सहूलत इह होगी कि असीं जल्दी ला सकदे हां, साडा व्याज नहीं पऊगा जमीन दा। नंबर दो ते स्किल्ड लेबर उन्हां नूं इत्थों मिलेगी। हो सकदा सानू कुछ इंडस्ट्री ने यह भी कहा कि सानू इत्थे शायद वो पढ़ाई वाले मुंडे कुड़ियां ना मिलन, सानू पुणे तो जां बेंगलौर तो लैके आने पैण कुछ अपने जिहड़े इंजीनियर जां कोई होर। असीं कहा भी लै आओ पहलां, पर सानू दस दिओ कि उन्होंने डिग्रियां कहिड़ियां कीतियां होईयां ने। असीं एक साल दे विच उन्हां डिग्रियां वाले मुंडे कुड़ियां तुहानूं पंजाब चों अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि उन्हां नूं भी देखो सस्ता पैंदा कि पुणे तो बंदे ने आना है, उहदे लई प्रबंध करना घर दा रहण दा, कितें कोई लोकल बंदा है। ते नाल असीं इन्हां नूं इह भी कहा कि तुसीं रिमोट एरिया च भी जाओ। हुण NH1 जिहड़ा पहलां साडे कोल इक ही हाईवे हुंदा सी, हुण साडे कोल हाईवे बहुत हो गए। तुसीं फरीदकोट ला लो, तुसीं मोगा, मानसा, संगरूर, छोटे कस्बिआं च ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬਾਈ ਰੇਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ, ਏਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਸ ਉੱਥੇ ਚੇਨਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜੇ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਜਰਮਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਾ BAYWA, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਐਗਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਟੌਪ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕਰ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਹੈ। ਉਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 60-70 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਣਾਤੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ 1000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। 1000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਕਰ ਸਪੇਸ। ਸੋ ਮੇਕਰ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਵਰਵਿਓ ਆ ਗਈ ਆਲਰੇਡੀ, ਲਹਿਰੇਗਾ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਵਿਓ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਚਲ ਗਰੁੱਪ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮਨੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ BMW, ਮਰਸੀਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੇਬੈਕ ਕਰੀਏ।